हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको एक बहुत बड़ी और खूबसूरत नर्सरी की विजिट पे लेके आई हूँ। इस नर्सरी में आपको परमानेंट और सीजनेबल दोनों ही प्लांट देखने को मिलेंगे। सीजनेबल मतलब आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो में बनी रहिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 फुल वॉच कर लीजिएगा वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बेम्बो के कुछ प्लांट रखे हुए हैं और स्नेक प्लांट की वैरायटीज रखी हुई हैं नर्सरी की शुरुआत में ही। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हम देखें तो यहाँ है शेमी शेड में चलने वाले प्लांट शुरुआत में ही, तो 350 के दे रहे थे भैया। ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, एग्लोनिमा में काफ़ी वैरायटीज आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत लीव्स वाले ये एग्लोनिमा के प्लांट 350 में मिल रहे थे इस नर्सरी में, पॉट में लगे हुए और काफ़ी हेल्दी थे। यहाँ है ड्रेसिना की वैरायटी ग्रीन लीव्स में और रेड लीव्स में। और फ्रेंड्स, यहाँ है क्रोटोन की सारी ये वैरायटी, आप देख सकते हैं येलो लीव्स वाले और कलरफुल लीव्स वाले क्रोटोन 150 में दे रहे थे पॉलीबैग में लगे हुए। और फ्रेंड्स, यहाँ जो आप पेंटास के प्लांट देख रहे हैं ये थे 350 के। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत स्वास्तिक बना हुआ था। और यहाँ है लिपस्टिक एग्लोनिमा और यहाँ है डेफनविचिया की कुछ वैरायटीज़, बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स और काफ़ी हेल्दी और बड़े बड़े प्लांट्स थे फ्रेंड्स ये। और पॉलीबैग में लगे हुए अलग रेट थे और गमले में लगे हुए प्लांट्स के अलग रेट थे, लेकिन सारे ही प्लांट्स बहुत हेल्दी थे। इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन चल रहा है ये। और यहाँ पे है सिंगोनियम प्लस मनी प्लांट पोथोस की वैरायटी और कुछ रखे हैं स्नेक प्लांट, ये 120 के थे पॉलीबैग में लगे हुए ये प्लांट। और फ्रेंड्स, यहाँ कोलियस प्लांट का कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत था, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये प्लांट 150 के दे रहे थे भैया। और ये पॉलीबैग में लगा हुआ इस प्लांट का नेम तो मुझे पता नहीं है, पर ये 30 रुपीज़ का था और बहुत ही खूबसूरत लिप्स वाला ये प्लांट। और यहाँ है रबर प्लांट की वैरायटी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हेल्दी प्लांट्स हैं, बड़े बड़े एलिफेंट ईयर के प्लांट्स भी हैं, अरिका पाम के प्लांट्स भी हैं, काफ़ी हेल्दी है। और इनके प्राइस इनके प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग ही थे इस नर्सरी में। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे और कलरफुल लीव्स वाला ये प्लांट देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। यानी कि प्लांट वैरायटी बहुत सारी थी इस नर्सरी में। फ्रेंड्स, इंडोर हो चाहे आउटडोर, इस नर्सरी में काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है और काफ़ी वैरायटीज भी थी इस नर्सरी में प्लांट्स की, तो जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा वीडियो में। और रेट भी काफ़ी रिजनेबल थे, कोई ज़्यादा हाई रेट भी नहीं थे। मैं तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए आई थी जो मुझे इधर मिले भी, और आगे उसके प्राइस भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या प्राइस अक्टूबर में मिल रहा है विंटर्स प्लांट का इस नर्सरी में। तो देखिए, यहाँ राखी बेल जिसे हम कृष्ण कमल की बेल भी बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी कलर्स में फ्लावर्स खिले हुए थे और अवेलेबल थे। और यहाँ हिबेकस डबल पेटल हिबेकस का फ्लावर्स भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्लांट थे यहाँ पर, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो या कोई बेल की वैरायटी वाइन की वैरायटी हो, यहाँ मधु मालती, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट थे इस नर्सरी में। और फ्रेंड्स, परमानेंट प्लांट की जो सन लविंग प्लांट होते हैं उनकी उन प्लांट्स की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ देखिए हिबिकस का पिंक कलर का फ्लावरिंग प्लांट, कितना सुंदर लग रहा है पिंक फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काफ़ी अच्छी और हेल्दी वैरायटीज़ थी इस नर्सरी में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अहमदाबाद की ही ये नर्सरी है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इस नर्सरी की विज़िट की और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये नर्सरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ लेल्टाना के फ्लावर्स हैं और काफ़ी लालसा के प्लांट भी थे, काफ़ी घने घने सटा के प्लांट रखे थे, बिल्कुल जंगल लुक लग रहा था और काफ़ी अच्छी हेल्दी वैरायटीज़ थी परमानेंट और शेमी शेड में चलने वाले प्लांट्स की। यहाँ देखिए मोरपंखी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पे है बॉट लिली, तो काफ़ी अच्छे और वैरायटी देखने को मिली मुझे इस नर्सरी में। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैं बहुत खुश हुई इस नर्सरी को देख के।
बहुत ही खूबसूरत नर्सरी। यहाँ कॉलियस पॉलीबैग में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्लांट, ये देखिए लिली। और यहाँ हम चलते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ। हाँ, इसका क्या है? ₹200 में प्लेडियम। प्लेडियम और ये इसका ये सीजनल। और ये गेंदे का क्या है? ये गेंदा कितने का? 20। ओके। और ये गुलदावदी, वाओ। और ये गुलदावदी का क्या है? गुलदावदी है ना ये? क्या है? 70। हाँ, गुलदावदी बोलते हैं इसे। क्या है इसका? ₹50 की गुलदावदी। अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है इसमें। ये टोरोनिया का क्या है भैया? ये टोरोनिया 80। टोरोनिया यहाँ बहुत महंगा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, टोरोनिया के 80 रुपीज के हैं। यहाँ ये देखिए, ये भी 80 रुपीज में है। और ये देखिए भैया, जैसे कि आपने देखा इस नर्सरी विजिट में परमानेंट्स और सीजनेबल दोनों ही प्लांट्स हैं। विंटर्स के काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स आ चुके हैं इस नर्सरी में, साथ साथ में रेट भी काफ़ी ठीक ठाक ही हैं। ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है। और टोरोनिया, जीनिया ये मुझे थोड़े से महंगे लगे इस नर्सरी में, बाकी दूसरे जैसे कि क्लांचो हुआ, गुलदावदी हुआ, उनके रेट ठीक थे, 150 का ठीक था। और जो फ्लावरिंग कर रहे हैं गुलदावदी के प्लांट वो 150 के थे, और जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं गुलदावदी के प्लांट पॉलीबैग में लगे हुए वो 50 के थे, और 20 रेस के ये गेंदे के प्लांट थे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये आज का मेरा नर्सरी विजिट था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को अगर न्यू है तो। और आप भी इसी तरह हैप्पी गार्डनिंग करते रहें। बाय फ्रेंड्स।